नागरिक संहिता, मगर सियासी सहूलियत के हिसाब से ये तीनों मुद्दे हाशिए पर चले गए। आज जारी किए गए घोषणा पत्र में सुशासन और विकास को एजेंडे पर रखा गया है। हमारा लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा रास्ता है सबका साथ सबका विकास। इस कार्य संस्कृति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। दो मूल बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, एक गुड गवर्नेंस, दूसरा डेवलपमेंट, सुशासन एवं विकास। और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास सर्वसमावेशक हो, विकास सर्वस्पर्शी हो, विकास सार्वदेशिक हो, विकास सर्वप्रिय हो। उसी प्रकार से जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस सरकार वो होनी चाहिए जो गरीब के लिए सोचे, गरीब का सुने। नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र के जारी होने के बाद बताया कि अगर वो पीएम बनेंगे तो क्या करेंगे। मोदी ने कहा कि मैं बदले की भावना से काम नहीं करूंगा और अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। मुझे जो दायित्व देश की जनता देगी उसको पूरा करने में, परिश्रम करने में मैं कभी भी कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं देश के सामने कहना चाहता हूं, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास देता हूं। एक शख्स है जो देश के पहले चुनाव से लेकर आज तक बीजेपी के हर घोषणा पत्र का गवाह रहा है। ये वो शख्स है जिसने राम मंदिर को लेकर देशभर में रथ पर यात्रा निकाली और जानकार मानते हैं कि राम मंदिर ने ही बीजेपी को आज इस हाल में पहुंचाया है कि वो सत्ता के सपने देख सके। लेकिन सियासत का एक चरित्र ये भी है जहां बदलते वक्त और उगते सूरज को सलाम करना पड़ता है। अब देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो पर क्या कह रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। क्योंकि मैंने 52 के चुनाव से लेकर के इस 2014 तक के चुनाव सब देखे हैं, कह सकता हूं कि चुनाव के घोषणा पत्र की तैयारी से लेकर के चुनाव अभियान का स्वरूप और घोषणा पत्र के विमोचन का स्वरूप, ये सभी अभूतपूर्व है। पिछले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल का तब की राजनीति और आज तक की राजनीति, वह जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली है उसके बारे में तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए दो शब्द केवल कहूंगा आज के इस घोषणा पत्र के विमोचन के संदर्भ में और इस सारे अभियान के संदर्भ में, यह अभूतपूर्व है। मुझे याद नहीं कि कभी किसी चुनाव के परिणाम इस बात से भी इतने प्रभावित हुए हो जितने इस बार के हमारे प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा होने के बाद जो अभियान यह चुनाव का चला है उससे कभी हुए हो। बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में वादों की झड़ी है, नारों का शोर है, घोषणाओं का अंबार है, मगर कैसे ये वादे पूरे होंगे और रोड मैप क्या है? इंडिया न्यूज संवाददाता ने ऐसे कई सवालों को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद से बातचीत की। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद जी, जिस तरह से जो घोषणा पत्र आया इसमें वादों का पिटारा कहा जा रहा है। हम काम करते हैं, अटल जी की सरकार ने 8.5% ग्रोथ लिया, रोजगार दिया, सड़कें बनाई, महंगाई रोका,
तो आज जब भाजपा का घोषणा पत्र आया है, ये भी देश के विकास का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जिसको हम काम करके दिखाएंगे। हम सिर्फ वादे नहीं करते, हम इरादे भी रखते हैं उसको काम करने का। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा हो, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, आप केवल उसको छू कर निकल गए हैं। ये देखिए, हर मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं होता है। राम जन्मभूमि का मुद्दा आपने कभी मुझसे एमपी के इलेक्शन में, राजस्थान के इलेक्शन में तो नहीं पूछा आपने, तो हमारा खाली कहना आप चिंता मत करिए, आप उसके लिए हम रास्ता निकालेंगे, वो हमारे आस्था के मामले हैं। ये चुनाव मूल रूप से विकास, सर्वस्पर्शी विकास, देश को सुरक्षित करना और हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना, इन बड़े मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। अच्छा रविशंकर जी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं आप पर किस तरह से अल्पसंख्यक आप पर विश्वास करेंगे, क्योंकि एक वर्ग है जिस तरह से अमित शाह ने जो बयान दिया उसको किस तरह देखते हैं? पहली बात है, अल्पसंख्यक के लिए हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गोवा में हमारे उप मुख्यमंत्री क्रिश्चियन है। विपक्ष कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। तो ठीक है, विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा, आप मत कहिए। नौ हमारे एमएलए क्रिश्चियन है। आज आप देखिए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सबके लिए चिंता हो रही है विकास की, लेकिन आप भविष्य की दिशा मोदी जी के आज के भाषण में सुने आपने, क्या कहा उन्होंने? तीन बातें, मैं अपने लिए कुछ काम नहीं करूंगा, मैं देश के हर वर्ग के लिए काम करूंगा और मैं कोई भी पूर्वाग्रह से और बदले के भाव से काम नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में वो देश के लिए सबसे बड़ा आश्वासन है। लेकिन रविशंकर जी, नरेंद्र मोदी को सवाल, पत्रकारों का सवाल का जवाब देना चाहिए था, सवाल लेना चाहिए था। आज का विषय मैनिफेस्टो का था, जोशी जी ने लिया कि नहीं सारी बातें? और मोदी जी के भाषण में, अडवाणी जी के भाषण में काफी आपके संभावित प्रश्नों का उत्तर आया कि नहीं आया? अब आपसे नहीं बात करते, कुछ चुनाव प्रचार करने जाना था, जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत मैनिफेस्टो पूरी तरह से इस पर काम करेगी बीजेपी? बिल्कुल, हमने पहले भी करके दिखाया है ना। अगर पहले वाजपेयी सरकार ने महंगाई कम किया, सड़कें बनाई, अधिक रोजगार दिया, तो आने वाली सरकार क्यों नहीं करेगी? हमारे राज्य सरकारें भी कर रही हैं। कांग्रेस कह रहा है कि केवल जो है ये झूठ का पुलिंदा है। जो पार्टी की एक महीना 15 दिन के बाद विदाई है, अब क्यों आप मुझसे मुंह खुलवा रहे हैं? मैं उनकी पीड़ा समझता हूं, उनकी हताशा समझता हूं, क्योंकि देश की जनता कांग्रेस को आजादी के बाद सबसे बड़ी हार देने वाली है। एक आखिरी प्रश्न, जिस तरह से अमित शाह ने जो बयान दिया उसको पार्टी किस तरह से देखती है? कल मैंने टिप्पणी की थी, क्या कहा था अमित शाह ने? चुनाव के समय अगर आपको गुस्सा है तो लोकतंत्र में रास्ता क्या है? वोट दीजिए। अगर आपको विकास से गुस्सा है, सरकार की वादा खिलाफी से गुस्सा है, सरकार के पुलिस मैनेजमेंट से गुस्सा है, सरकार के अपराधीकरण से गुस्सा है, अमित शाह ने क्या कहा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था। एक मिनट सुनिए, जिस तरह से मुजफ्फरनगर के रायट में वहां के मंत्रियों ने पुलिस को कार्रवाई करने से रोका, रायट रुक जाता था कि नहीं, आपको मालूम है? जिस तरह से विभेद किया, 200 से अधिक रायट हुए हैं, वहां कार्रवाई की गई। तो लोगों के मन में दुख है, पीड़ा है, वेदना है, क्या कहा हमारे अमित शाह ने? उसका निराकरण शांतिपूर्ण तरीके से वोट से करिए, ये तो कहा उन्होंने। तो रविशंकर प्रसाद, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है वो सुशासन और विकास का है, और इसको लेकर आम जनता जो है बीजेपी के लिए वोट करेगी। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से घोषणा पत्र में आखिरकार बीजेपी ने जो देरी की, आखिरकार जनता उनके मैनिफेस्टो पर कितना विश्वास करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। और अब बात करते हैं इस घोषणा पत्र के आर्किटेक्ट से। मुरली मनोहर जोशी ने 17 लोगों की टीम के साथ मिलकर इसे तैयार किया। माना यह जाता है कि अगर पार्टी की मूल विचारधारा को लेकर अगर कुछ भी है तो वो जोशी की वजह से ही है। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी त्यागी ने मुरली मनोहर जोशी से बात की, सुनिए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का इंतजार लोगों को था, वो आज बाहर आ गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने काफी मेहनत लगाई है इस पूरे मैनिफेस्टो को बनाने में। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, एक बात विकास की बात कर रहे हैं, आपका पूरा मैनिफेस्टो इसमें विकास किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस रही है। यूपीए 1 का हमें जो कहते हैं निशान, हमें यूपीए 2 में दिखाई दिए थे। खासकर पी चिदम्बरम ये कह चुके हैं कि आने वाली सरकार के लिए काफी विषम परिस्थितियां हो सकती हैं। ऐसे में ये जो आपका मैनिफेस्टो है किस तरीके से कारगर है? देखिए, पहले तो आपने खुद ही एक बात कही, उसको समझ लीजिए। इनको, मिस्टर चिदम्बरम को ये यकीन था कि अब वो दोबारा नहीं आने वाले। तो जब कभी फौजें हटती हैं, हारती हैं ना, तो वो एक पॉलिसी का इस्तेमाल करती है जिसको कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, कि जाते हटते जाओ और सब कुछ नष्ट करते जाओ ताकि आने वाली सेना को कुछ मिले नहीं। तो ये इन्होंने किया है। आई चार्ज देम फॉर डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी बिकॉज दे नो, वो जानते हैं कि वो दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए आने वाले के लिए समस्याएं पैदा कर दो।
लेकिन हम समझते हैं इन बातों को, हम पहले भी देश चला चुके हैं और तब भी हमें ऐसी हालत में इकोनॉमी मिली थी, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ, विजन के साथ और दृढ़ता के साथ काम किया जाएगा तो हम जिस रास्ते पर विकास करना चाहते हैं वो करना कठिन नहीं है, क्योंकि सरकार के अलावा देश है ना, जनता के पास साधन है, प्राकृतिक साधन है देश में, लीडरशिप एक अच्छी हो, हमारी योजनाएं ठीक हो, गवर्नेंस ठीक हो तो विकास होगा। जब से ये पूरा अभियान शुरू हुआ है विकास की बातें कर रहे हैं जनता, आप भी ये मानते हैं, आपने भी कई बार कहा है कि जनता पीड़ित है, जनता को राहत मिलने की क्या कोई समय सीमा भारतीय जनता पार्टी इस मैनिफेस्टो के जरिए निर्धारित करेगी? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का होगा तो 5 साल की होगा, तो समय सीमा की एक तो बुनियाद है ना, 5 साल है, और ये जो कुछ हमने घोषणा पत्र में लिखा है यही सोच के लिखा है कि इसको हम 5 साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जिस देश को इन्होंने बिगाड़ा 60 साल में, 6 साल छोड़ के, उसको ठीक करने में कुछ तो टाइम लगेगा ही। अब हम ये कह दें कि हम ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और जनता को हम बरगलाएं, वो हमारी नीतियों में नहीं है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखकर लोग जानते हैं कि हाँ ये सीरियस लोग हैं, गंभीर लोग हैं और करें। पिछड़े राज्य हैं, हमेशा से विशेष दर्जा की मांग करते हैं, उसके लिए क्या कुछ खतर रहेगा? देखिए, इसमें हमने एक स्कीम दी है कि जिन राज्यों की समान समस्याएं हैं उनकी हम रीजनल काउंसिल्स बनाएंगे और वो बराबर पीएमओ के साथ उनका संबंध रहेगा, उनकी समस्याएं जिस धरातल पर तय की जानी है वो उनकी राय से तय की जाए, उन पर कुछ लादा नहीं जाएगा। जो हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका, तो साथ में केवल यह नहीं है कि यहां से हुक्म दे दिया और वो पूरा, सबका साथ का मतलब है कि उनकी राय के मुताबिक फिर बताएंगे उनको कि भाई जो आप बात कह रहे हैं वो कैसे पूरी की जा सकती है, नथिंग विल बी इम्पोज। तो उसमें से जो जिसकी समस्या है उसका निदान होगा, और वैसे तो सारे भारत को इस समय विकास के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो सारे भारत को ही विशेष रूप से विकसित करना है। सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी, FDI रिटेल का जो मामला है उसको क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो उसको क्या रोकने की कोशिश की? देखिए, हमने उसमें साफ लिखा है, जो लिखा है वो हमारी नीति स्पष्ट है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने एक बार फिर से सामने रखा है अपनी विकास की नीतियों को लोगों के सामने पहुंचाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शिवानी जी, आगे इंडिया न्यूज। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस की नाराजगी सामने आई है। कांग्रेस ने बीजेपी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। पार्टी को इस बात से आपत्ति है कि बीजेपी ने चुनाव के दिन ही घोषणा पत्र जारी क्यों किया। इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि आखिर चुनाव के दिन ही बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी क्यों किया। इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन ले, क्योंकि चुनाव के दिन मैनिफेस्टो जारी करने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने शिकायत में? रचना, दरअसल बीजेपी के टाइमिंग को लेकर कांग्रेस के लीगल सेल के सचिव KC मित्तल ने इलेक्शन कमीशन को अपनी शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा है कि ऐसे वक्त में जब मतदान हो रहे हैं पांच जगहों पे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, वहां मतदाताओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया का अंग माना जाता है इसे, ऐसे में चुनाव आयोग को बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरह से ये आचार संहिता का उल्लंघन है। अपनी शिकायत में साफ कहा है कि कहीं न कहीं मतदाताओं को प्रभावित किया, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक टीवी के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, आज के दिन चूंकि वोटिंग है ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव का दिन है, मतदाताओं को प्रभावित करेगा मैनिफेस्टो, चुनाव के दिन ही आखिर बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी क्यों किया, इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत कांग्रेस ने की है और कहा है कि कार्रवाई बीजेपी के खिलाफ करे। मिथिलेश, शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।